महोदय से अनुरोध है कि आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचन से मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आज के इस गरिमामयी अवसर पर मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर सुजोयलाल थाउजन जी, महानिर्देशक सीआरपीएफ, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए श्री अजय कुमार भल्ला जी, गृह सचिव भारत सरकार श्री पंकज कुमार जी, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अशोक जुनेजा जी, महानिर्देशक छत्तीसगढ़ पुलिस श्री कुलदीप सिंह जी, पूर्व महानिर्देशक सीआरपीएफ और आज सीआरपीएफ परिवार के उपस्थित सभी परिवारजनों, बच्चों और प्यारे जवानों, सबसे पहले सीआरपीएफ जैसे महान संगठन की 84वीं वर्षगांठ पर मैं देश भर में स्थित सीआरपीएफ के हर जवान को, हर अधिकारी को और उनके परिवारजनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं जब 84वें स्थापना दिन के दिन बस्तर में यहां खड़ा होकर आप लोगों के बीच बोल रहा हूं, उस वक्त सीआरपीएफ के स्वर्णिम इतिहास को लिखते लिखते 2249 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। मैं आज इस मन से कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सीआरपीएफ के वो सभी 2249 जवानों को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारों जनों के साथ हमारी एकता और उनके साथ खड़ी रहने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता हूं। इसके साथ साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को निर्धारित करने हेतु अपनी ड्यूटी करते करते जो शहीद हुए हैं, ये देश भर के 36,000 से भी ज्यादा अलग अलग पुलिस बलों के जवान को भी मैं श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, आज सीआरपीएफ के स्थापना और वामपंथी उग्रवाद की समस्या की शुरुआत के बाद पहली बार मैं देश के गृह मंत्री नाते गर्व से कह रहा हूं कि पहली बार सीआरपीएफ का स्थापना दिन यहां छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदर हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। उस मौके पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंदर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अभियान का नेतृत्व करते हुए सीआरपीएफ के 763 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं वो सभी जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को बताना चाहता हूं कि आज वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, विजय के अंतिम पड़ाव पर जो खड़ी हुई दिखाई पड़ती है, इसकी नींव में आपके परिजनों के सर्वोच्च बलिदान का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बलिदान से ही ये स्वर्णिम अक्षरों में विजय गाथा लिखी जानी है, इसका पूरे देश को संज्ञान है। मैं हृदय से उन सभी को नमन कर मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मित्रों, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना, हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया। मैं आज इतना सुनिश्चित कह सकता हूं कि
देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में सीआरपीएफ के इतिहास जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है वो आप सभी जवानों के साहस, शौर्य और बलिदान की भावना से ही अंकित हुआ है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज स्वतंत्र सेनानी उषा मेहता जी की जन्मतिथि है, उनको भी मैं शीश झुकाकर नमन कर आगे बढ़ना चाहूंगा। आज कार्यक्रम में सीआरपीएफ के अलग अलग तीन प्रोजेक्ट का लगभग 174 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण भी हुआ है और हल्बी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी आकाशवाणी ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की भाषा में पहला बुलेटिन, समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता। इससे न केवल हमारी स्थानीय भाषाएं मजबूत होगी, इस क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों को अपनी ही भाषा में देश और दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है इसके समाचार सीधे मिल पाएंगे। इससे देश और दुनिया के साथ उनका संपर्क और उनकी जानकारी भी समृद्ध होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहाँ पर नारी शक्ति थीम पर आयोजित सीआरपीएफ महिला मोटरसाइकिल का फ्लैग इन का भी कार्यक्रम है। इस 75 महिला जवानों ने 38 मोटरसाइकिलों के साथ 9 मार्च 2023 से लेकर 1848 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आज यहाँ पर आए हैं। वो नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ और उनके शौर्य से पूरे देश भर के अंदर महिला शक्ति का सशक्तिकरण हुआ है और सीआरपीएफ का भी किस प्रकार की नारी शक्ति सीआरपीएफ के पास है ये वीरांगनाओं का परिचय आपने समूचे देश को दिया है और समग्र देश की बेटियों में उत्साह का संचार करने का काम किया है। मैं आप सभी को मन से बधाई देना चाहता हूँ। सीआरपीएफ के इतिहास की ओर मुड़ कर देखते हैं तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई, परंतु आज की सीआरपीएफ का पुनर्जन्म हमारे लोह पुरुष और पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के हाथ से हुआ। 28 दिसंबर 1949 को सरदार पटेल जी ने इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गौरवमयी पर्याय है, उसको रखा गया। 19 मार्च 1950 को उन्होंने इस बल को सब मेरे सामने जो निशान खड़ा है, गर्व के साथ हम लोगों के सामने है, वो निशान को प्रदान करने का काम किया और एक बटालियन से शुरू हुई सीआरपीएफ आज 246 बटालियन, 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 परिचालन रेंज और 42 प्रशासनिक रेंज के साथ 3.25 लाख से ज्यादा नफरी के साथ देश का सबसे बड़ा सीएपीएफ है, इसका हम सभी को गौरव। मैं हमेशा आज सीआरपीएफ के जवानों को कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा भी देश के किसी भी कोने में उपस्थित होता हूँ और किसी अप्रिय घटना का समाचार आता है और साथ में ही जब आता है कि वहां पर सीआरपीएफ पहुंच रही है तो मैं निश्चिंतता के साथ अपने आगे के कार्यक्रम को चालू रखता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि एक बार सीआरपीएफ वहां पहुंचने के बाद गलत मंसूबे वाले सारे लोगों को नसीहत करे बगैर सीआरपीएफ का जवान वापिस नहीं लौट सकता, ये भरोसा पूरे देश की जनता को। और मैं आज देश की जनता की ओर से आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि आंतरिक शांति और आंतरिक सलामती ये दोनों के लिए देश की जनता का संपूर्ण भरोसा इस बल पर है और वो आपके साहस और शौर्य के आधार पर ही निर्मित हुआ है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 को
चीनी सेना का मुकाबला करते हुए एक अदम्य साहस और बलिदान की भावना का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने शहादत दी और वो शहादत को अमर रखने के लिए कृतज्ञ देश ने 31 अक्टूबर को ही पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाने का निर्णय किया। वो सीआरपीएफ और देश के गृह मंत्री दोनों के लिए बहुत गौरव का विषय है और आज नरेंद्र मोदी जी ने चाणक्यपुरी में भव्य राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर हर 21 अक्टूबर को वहां शहीद पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम और पूरे वर्ष देश भर के स्कूली बच्चों को देश भर में शहीद हुए वीर जवानों का परिचय कराने का एक स्मारक बनाया है वो हम सब के लिए गर्व का विषय है। 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ ने कच्छ के रेगिस्तान में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना का बहादुरी से मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को पूरा देश शौर्य दिवस के रूप में 9 अप्रैल को मनाना। पुलिस दिन और शौर्य दिन दोनों सीआरपीएफ के अकाउंट में ही जमा हुए हैं, ये इस बल की बहुत बड़ी उपलब्धि। लोकतंत्र तभी जीवित हो सकता है जब इसकी सुरक्षा समर्पित तरीके से की जाए। देश के चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने में बाकी सारे सीआरपीएफ को साथ में रखते हुए सीआरपीएफ का योगदान महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कई चुनावों से सीआरपीएफ के जवानों ने हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुरक्षित रूप से निर्वहन करने की जिम्मेदारी निभाई है। ये पूरा देश इसको बड़ी विनम्रता के साथ इसको देख रहा है। मित्रों, लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, ये दोनों पर हुए आतंकी हमले को भी सीआरपीएफ के जवानों ने ही निरस्त किया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत हमारे गौरव संसद भवन को सुरक्षित रखने का काम भी सीआरपीएफ ने ही किया। बल द्वारा सार्वजनिक नाम की मासिक पत्रिका वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है, वो साइबर सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी संगठनों को प्रेरणा दे रही है। 2022 से सीआरपीएफ में सॉफ्टवेयर आधारित स्थानांतर प्रणाली संतोष को भी लागू कर दिया है, जिससे ढेर सारे जवानों को जो अन्याय होता था नेग्लिजेंसी के कारण, वो अन्याय का निवारण हम टेक्नोलॉजी के आधार पर कर पाए। तो आज जब मैं बस्तर में खड़ा रहकर बोल रहा हूँ, तब मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि हमने, हमारे सुरक्षा बलों ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विगत 9 सालों में एक मजबूत लड़ाई लड़ी और हर मोर्चे पर हमने विजय हासिल की। उनको पीछे धकेलने में तो सफलता प्राप्त की है, परंतु साथ साथ जो वामपंथी उग्रवादी आदिवासियों के विकास के बीच में रोड़ा बने, न स्कूल वहां पहुंचती थी, न दूर संचार वहां पहुंचता था, मोबाइल टावर नहीं बनते थे, रोड नहीं पहुंचते थे, सस्ते अनाज की दुकानें नहीं पहुंचती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट चावल नहीं पहुंचता था, अस्पतालें नहीं बनती थी, स्कूलें नहीं बनती थी, कॉलेज का सवाल ही खड़ा नहीं होता था। ये सभी विकास कार्यों के आगे से विघ्न हटाने का काम और उसका यश किसी एक बल को जाता है, तो मैं देश के गृह मंत्री के नाते इसका संपूर्ण यश सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को देना चाहता हूं। जहां जहां समस्या है वहां के स्थानीय पुलिस को साथ में रखा, उनकी भी हौसला अफजाई की, स्थानीय पुलिस में से वीर जवानों को जोड़कर एक अभेद्य शक्ति का निर्माण किया और सामंजस्य के साथ स्थानीय पुलिस को साथ में रखते हुए सीआरपीएफ ने अपने संगठन कौशल का भी परिचय दिया और आज हम यहां पर शान से खड़े होकर 84वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, वो उसी का परिणाम है कि आपने
स्थानीय पुलिस को साथ में रखते हुए इन क्षेत्र के अंदर शांति की स्थापना के लिए आपकी वीरता से विजय के झंडे गड़े। वामपंथी उग्रवाद संबंधित हिंसाओं को 2010 के उच्चतम स्तर से नाम ले तो 76% की कटौती और घटने की घटना हम देख रहे हैं। 2010 के मुकाबले में जान गंवाने वालों में लगभग 78% की कटौती नजर में आती है। ये वामपंथी उग्रवादी अंतर्राज्यीय सीमाओं का लाभ न उठा पाए, इसलिए सीआरपीएफ ने जॉइंट टास्क फोर्स भी अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ रचा। न केवल जॉइंट टास्क फोर्स रचा, जॉइंट कैंप्स भी बनाए और ट्राई जंक्शन पर अच्छे तरीके से सुरक्षा को प्रस्तावित करने का काम किया है। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ तब मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा देश की जनता को, इस परेड के माध्यम से पूरा पहाड़ और चक्रबंधा और पारसनाथ ये ट्राई जंक्शन को आज पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कर देश की मुख्य धारा में लाने का काम समाप्त हो चुका है। सालों से जहां कोई घुस नहीं सकता था, आज वहां पर विकास के सारे पैरामीटर्स जमीन पर उतरते हुए नजर आते हैं। बिहार में और झारखंड में सुरक्षा का वैक्यूम समाप्ति की ओर है। ये हमारे सीआरपीएफ के वीर जवान और पुलिस के संयुक्त पराक्रम के कारण ही हो पाया हो चुका है। वामपंथी उग्रवादियों की फंडिंग को स्रोत को रोकने के लिए एनआईए और ईडी द्वारा भी अनेक प्रकार के केस दर्ज कर हम कठोर कार्यवाही कर रहे हैं। हमारी सरकार ने विकास की जो गंगा बहाई है वो अब वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों के अंदर बेरोक टोक पहुंच रही है। विकास के लिए स्वीकृत 70,000 किलोमीटर सड़क में से 11,000 किलोमीटर सड़क बनना समाप्त हो चुका है। 2,343 मोबाइल टावर लग चुके हैं, उसको 4G में कन्वर्ट किया जा रहा है। एकलव्य स्कूल को प्रायोरिटी एरिया में खोलने का काम बेरोक टोक चल रहा है। 2,258 बैंकों की ब्रांच केवल 5 साल में खोली गई है। 1,348 ATM खोले गए हैं। स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 47 ITI और 68 SBCS स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने का काम भी पूरा हो चुका है। ये बहुत बड़ा विकास का बयार इस क्षेत्र के अंदर भारत सरकार CRPF और लोकल पुलिस का जो संयुक्त प्रयास है इसके कारण हम ला चुके। ट्राइबल यूथ एक्शन प्रोग्राम के तहत 4,000 बच्चों को मेन स्ट्रीम गतिविधि का परिचय कराने के लिए देश के अन्य हिस्सों में ले जाया रहा है और वनवासी आदिवासियों के वन अधिकारों के लिए 10 राज्यों में 34 लाख दावों में से 18 लाख दावों का निपटान ये शांति के कारण हम सुरक्षित रूप से कर रहे हैं। सीआरपीएफ जवान के लिए कल्याण के लिए भारत सरकार ने ढेर सारे कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ बस्तर या बटालियन में 400 स्थानीय मोदी जी के नेतृत्व में सीएमपी सीआरपीएफ के आधुनिकरण के लिए लाख से अधिक
ना से हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में एक भी नया मकान बनाए बगैर 13% की वृद्धि हुई है। ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के उपयोगिता का उदाहरण है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत हर माह 3,000 रुपया लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 2,500 रुपया जारी किया जा रहा है और केंद्र सरकार की सीटों में 26 MBBS और 3 BDS सीटों का आरक्षण भी सशस्त्र बलों के लिए करने का काम भारत सरकार ने किया है। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब आपके गौरवमयी इतिहास से पूरा देश आपको बड़ी आशा और संतुष्टि के साथ देख रहा है। मैं CRPF के जवानों को यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपके हर दुख के अंदर, आपकी हर सुविधा के अंदर, उसको कम करने के लिए आपके साथ खड़ी है। देश की जनता गर्व के साथ, संतोष के साथ और आशा के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आपके सामने आस लगाकर देख रही है। जिस प्रकार का 84 साल का गौरवमयी इतिहास है, उसी इतिहास को आप दोहराते रहेंगे और सुदृढ़ करेंगे और संपूर्ण वामपंथी उग्रवाद के सफाये तक इस क्षेत्र के अंदर हम तन्मयता के साथ मां भारत की के लिए काम करते रहेंगे। यही आप सभी से अपेक्षा है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। और अब डॉक्टर सुजयलाल थाउसेन, महानिदेशक CRPF से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को उनकी गरिमा में उपस्थिति हेतु स्मृति चिन्ह भेंट करने का अनुरोध है। 84वीं CRPF दिवस परेड पर बतौर मुख्य